यूक्रेन जंग को 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलाइव में एक बिल्डिंग पर हमले किए। हमले में 2 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई, 3 घायल हो गए। यहां के गवर्नर विटाली किम ने कहा कि अभी भी ये साफ नहीं है कि हमला बम से किया गया या मिसाइल से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा के पणजी में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। मोदी ने कहा कि 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पानी की व्यवस्था से जुड़ चुके हैं, ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण है। इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलकर मनीष सिसोदिया का बचाव किया। उन्होंने रेड के बाद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा, जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार NYT के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उस दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी। CBI का स्वागत है, पूरा कोऑपरेट करेंगे, पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि हम CBI का स्वागत करते हैं। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। साई बाबा नगर में 1-4 मंजिला इमारत ढह गई। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस पहुंच गई। इसमें 14 से 15 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। यह इमारत 40 साल पुरानी बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में चल रही एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 के दौरान भारत के लड़ाकू विमान Sukhoi 30 में हवा में रिफ्यूलिंग की गई। फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट और स्पेस फोर्स यूनिट के सपोर्ट से ईंधन भरा गया। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने दोनों का आभार जताया। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 16,000 के आसपास आ रहे हैं। इसमें बीते 24 घंटों में 15,754 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 15,220 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 47 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 59,91,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 64 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.48 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यहाँ के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। श्रीलंका से भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अगले हफ्ते देश वापस लौट सकते हैं। श्रीलंका अखबार डेली मिरर ने गोटाबाया के चचेरे भाई के हवाले से लिखा है कि वे 24 अगस्त को देश लौट जाएंगे। गोटाबाया कोलंबो छोड़कर सिंगापुर भागे थे और उन्होंने वहीं से राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। आज यानी शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज शुक्रवार को सराफा बाजार में सोना 281 रुपए सस्ता होकर 52,180 रुपए पर आ गया है। वहीं वायदा बाजार यानी MCX पर दोपहर 12 बजे सोना 639 रुपए की गिरावट के साथ 51,946 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार को सेंसेक्स धराम हो गया या 651.85 अंक टूटकर 59,646.15 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को बाजार बंद होते समय निफ्टी पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 198 अंक गिरकर 17,758 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।